भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज में डीआरएस पर चीटिंग विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है और इस कंट्रोवर्सी के बाद दोनों क्रिकेट टीमों के बोर्ड भी अपने अपने कैप्टन के समर्थन में आ गए हैं। सबसे पहले क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इसकी शुरुआत की। स्टीव स्मिथ को डीआरएस विवाद पर हर तरफ से घिरे देख ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड उनके बचाव में आ गया। इसके बाद बीसीसीआई ने भी इसका जवाब देने में देर नहीं लगाई। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ जेम्स सदरलैंड खुलकर स्टीव स्मिथ के समर्थन में आ गए। उन्होंने कहा कि स्टीव स्मिथ एक शानदार क्रिकेटर होने के साथ साथ अच्छे व्यक्तित्व वाले इंसान हैं। वो अपने खेल और अच्छे व्यवहार के चलते लाखों लोगों के रोल मॉडल हैं और हम मानते हैं कि बेंगलुरु टेस्ट के रिव्यू मामले पर जो कुछ भी हुआ वो स्टीव स्मिथ ने किसी गलत इरादे से नहीं किया। सदरलैंड ने अपने कप्तान के बचाव के साथ साथ भारतीय कप्तान को भी आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि विराट और उनकी टीम ने स्मिथ पर जो आरोप लगाए वो काफी चौंकाने वाले हैं। सदरलैंड ने कहा विराट ने जो स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलियाई टीम और ड्रेसिंग रूम पर जो आरोप लगाए हैं वो उनकी ईमानदारी पर उठाए गए सवाल हैं। सदरलैंड यही नहीं रुके और उन्होंने कहा कि स्टीव स्मिथ की ईमानदारी को लेकर जिस तरह की कमेंट्री की जा रही है हम उसे खारिज करते हैं। ऐसे में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया स्टीव स्मिथ और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटों के साथ मजबूती से खड़ा है। सदरलैंड के अलावा ऑस्ट्रेलिया के कोच डेरिन लीमैन ने भी विराट के इस आरोप को खारिज किया है कि ऑस्ट्रेलियाई टीम ने बेंगलुरु टेस्ट में बार बार नियमों को तोड़ा है और खेल भावना को ठेस पहुंचाई है।